लेकिन आज जो स्थिति बनी है, 16 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप देखिएगा लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल हो रहा है। डेली लूट, हत्या, मर्डर, रेप जैसा अपराध पूरा बढ़ रहा है। हम पूरी तरीके से अभी भी मानते हैं कि ये 16 साल की जो डबल इंजन की सरकार, बताइए 40 में से 39 सांसद बिहार के एनडीए के, केंद्र में दर्जनों मंत्री, बिहार में इनकी चोर दरवाजे से आई हुई सरकार है, भाजपा के दो दो उप मुख्यमंत्री हैं, क्या किया आपके, क्या मिला आपको? हम जानते हैं, हम नौजवान हैं, आप लोगों के दुख दर्द को जानते हैं, बीपीएससी का क्या हाल है आप लोग सब लोग जानते हैं। आप बताइए, आज भरे होंगे, आज आपका उम्र होगा, उम्र निकल जाएगा, उसके चक्कर में तो कहाँ जाइएगा। तो हमने चुनाव में ये भी कहा था कि अगर बीपीएससी अगर काम ढिलाई अगर करती है, नाना नुकुर करती है, जिसके कारण आपका उम्र चला जाएगा, तो अगर हमारी सरकार बनेगी तो उन लोगों का उम्र जो है वो बढ़ाने का काम करेंगे, ताकि उनको नौकरी मिलने में आसानी हो, सहूलियत हो। एक एक चीज़ का, बल्कि तारीख तय था, हमने यही कहा था ना कि 4.5 लाख नौकरियां जो हैं, 4.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार जब चाहे तब दे सकती है। नर्स का हो, शिक्षक का हो, इंजीनियर का हो, डॉक्टर का हो, आज अस्पताल चल जाइए, कोई नहीं सुनने वाला, देखने वाला। शिक्षकों की भारी कमी है, हर जगह प्रोफेसर्स की कमी है यूनिवर्सिटीज़ में। आप देखिएगा, सपोर्टिंग स्टाफ हो, नर्स हो, सब जगह जो वैकेंसी खाली, तो हमने यही कहा था ना कि जो रिक्त पदे हैं, आते ही हम जो है 4.5 लाख वो भरेंगे, और 5.5 लाख नौकरियां वो होंगी जो कि राष्ट्र औसत के मुकाबले आने के। मान लीजिए जितना हमको ज़रूरत है, कम से कम उतना भी हमको पद भरना होगा। और हमने तय भी कर दिया था कि पहले कैबिनेट मीटिंग में जो है इसको हम पूरा करेंगे। हालांकि जो वजह है, हम भले ही, हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को जबरदस्ती विपक्ष में डाला गया, लेकिन इससे हमको परवाह नहीं। जो मेरा कल मुद्दा था, हमारी सरकार जब बनती जो हम काम करते, लेकिन यही है ना कि ये लोग तो साजिश से विधानसभा बंद करना चाह रहे थे। और जाहिर से जब विधानसभा को मौन आप कर दीजिएगा, तो हमको सड़क पर उतरना ही पड़ेगा। हमने ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री की आवाज़ का हम घेराव करेंगे, क्योंकि आप को जो है उम्मीद सरकार से नहीं, आप सर। हाँ दीपक जी नमस्कार, नमस्कार। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ इको पार्क में भारी सब लोग बैठा हुआ है, आंदोलनकर्ता सब, शिक्षक वाले सब, जिनका अभी कोर्ट से भी ऑर्डर आया था 4 दिसंबर को कि नियुक्ति पत्र जारी करने का। तो इन लोग गर्दनी बाग में एप्लीकेशन वगैरह दिए हुए थे, इन लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया गया। अब तो इन लोगों का डेमोक्रेटिक राइट है ना कि भाई धरना प्रदर्शन दे सकते हैं सरकार को इंटीमेट करके। अब ये लोग हैं नहीं कहीं, दूर दराज से लोग आया हुआ है, खाने पीने का सब टेंट तंबू सब उखाड़ दिया गया इन लोगों का सब पूरी तरीके से। कल हमारी एसपी से भी बात हुई थी, हम बोले भाई धरने का तो इन लोगों को राइट है, और ये लोग गर्दनी बाग में अगर शांतिपूर्ण ढंग से अगर ये लोग कर रहे हैं तो इनको कम से कम अनुमति होनी चाहिए वहाँ करने की। अब आप देखिए, अब इको पार्क में लोग, हम लोग बैठे हुए हैं, ये लोग बेचारा सब टिकट कटा कटा करके बैठा है, लगभग हजारों की संख्या में हम यहाँ आए हुए, इन्हीं लोगों के पास हैं, मिल रहे हैं।